हेलो स्टूडेंट्स, सो आज अपने करेंगे गति का द्वितीय समीकरण। इससे पहले अपनों ने क्या किया था, गति का प्रथम समीकरण जड़त्व और द्रव्यमान किए थे क्लास नाइन्थ के लिए, लेसन नंबर 9 चल रहा था अपना। ठीक है, अब अपने कर रहे हैं गति का द्वितीय समीकरण। देखो, गति का द्वितीय समीकरण तो अपने कर रहे हैं, इससे पहले अपनों ने गति का जो प्रथम नियम किया था उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो, इसी में दिया हुआ है, गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है। देखो, ये कोई वस्तु है, पीछे से अपनों ने क्या कर दिया, इस पर अपनों ने जो है बल लगा दिया। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे ये गेंद है, बल लगा दिया। तो देखो, बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो ये जो अपनी गेंद है या जो भी है, ये आगे आगे और क्या है, मूवमेंट करने लग जाएगी, गति करने लग जाएगी। तो अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। देखो, वेग में परिवर्तन क्या होता है, त्वरण होता है। तो अगर वेग में परिवर्तन हुआ तो क्या होगा, वस्तु त्वरित हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर करता है। देखो, अपनों ने क्या किया, एक गेंद थी, इस पर बाह्य बल लगाया, वस्तु ने क्या की, गति प्राप्त कर ली और उसके त्वरण में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो अब हम यही देखना है कि वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर करता है, या हम इस बल को माप कैसे सकते हैं। देखो, हमने यहाँ से ये जो बल लगाया हम इसको कैसे माप सकते हैं, हम ये देखेंगे। देखिए, इसके बाद कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो अपने दैनिक अनुभव, मतलब अपने दिनचर्या जो होती है उसके लिए। देखो, टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता। देखो, दो जने टेबल टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है, दो जने टेबल टेनिस खेल रहे हैं, यहाँ से एक गेंद किसी दूसरे व्यक्ति को जाके लग गई तो क्या होगा, उसको मतलब इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। लेकिन यदि गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है। एक तो सिंपल टेबल टेनिस की गेंद है, वो किसी को लग गई तो इतना घायल नहीं होगा। और दूसरा क्या है कि एक क्रिकेट खेल रहा कोई और उस वो गेंद जाके दूसरे किसी व्यक्ति को लग गई तो वो क्या हो जाएगा, घायल हो जाएगा। तो वो गेंद क्या कर सकती है, उसको घायल कर सकती है। देखो कैसे, क्योंकि एक तो सिंपल टेबल टेनिस की गेंद है, एक थोड़ी जो है अपनी दूसरी गेंद है क्रिकेट के लिए, ये कम वेग से चल रही है और इसका वेग क्या है, अधिक है। अधिक गति है तो वेग क्या होगा, अधिक होगा। तो अधिक वेग से अपनी ओर आ रही है तो अपने को क्या करेगी, ये चोटिल कर सकती है। देखो, जैसे कि सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, कि सिंपल एक जगह एक साइड में कोई ट्रक खड़ा है तो अगर उससे तो कोई दुर्घटना का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो क्या है, खड़ा है। परंतु 5 मीटर प्रति सेकंड जैसे कम गति से चलते हुए, देखो यहाँ पे वेग कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड, जैसे कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। क्योंकि ट्रक क्या होता है, हैवी होता है, तो उसका द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा होता है और ऊपर से क्या है, वो गतिशील है। तो अगर वो किसी व्यक्ति से टकराएगा तो निश्चित ही उसकी मृत्यु हो सकती है। अब देखो, एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। अब देखो, इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपने। जैसे यहाँ पे ये एक मतलब छोटा सा कोई गोला ले लो, या पिंड ले लो, या पत्थर ले लो, ठीक है, एक पत्थर ये रहा, एक पत्थर ये रहा आपने, चलो इसको गोल शेप में या कैसे भी ले लो, ये वाला पत्थर जो है ना थोड़े मतलब कम गति से गतिशील है, कम वेग है इसका, लेकिन अपनी ओर आ रहा है, ठीक है। और एक ये वाला पत्थर है, सेम गति से दोनों का वेग क्या है, समान है, और दोनों समान वेग से अपनी ओर आ रहे हैं, तो अपने को किससे ज़्यादा चोट लगेगी, आप सिंपल क्या कहोगे, ये जो दूसरे वाला पिंड है इससे ज़्यादा चोट लगेगी, क्योंकि इसका द्रव्यमान को अपने किससे लिखते हैं, एम से, तो इसका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है, और इसका एम क्या है, कम है, ठीक है। और अगर यही अपने कह दें कि अपने पास क्या है, ये एक तो छोटा पिंड है और एक थोड़ा सा बड़ा पिंड है, ये वाला जो पिंड है बड़ा, ये अपनी एक जगह पे खड़ा है, स्थिर है, इसमें कोई भी गति कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, और ये अपने पास जो छोटा पिंड है ये काफ़ी तेज़ वेग से आ रहा है अपनी तरफ, तो अपने अब बताओ कि अब पूछा जाए कि किससे ज़्यादा चोट लगेगी, तो आप क्या बोलोगे, छोटे पिंड से ज़्यादा चोट लगेगी, क्योंकि बड़ा क्या है, एक जगह पर खड़ा है, उससे तो चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं है। तो इसलिए अपने क्या कहते हैं कि जो वेग और बल है वो बराबर जो है एक दूसरे पे डिपेंडेड होते हैं। आप देखो आगे बढ़ते हैं, अपने देखो यहाँ पे अपने गोली को अगर तीव्र वेग से छोड़ा जाए, वही पत्थर वाली बात है, ज़ोर से किसी के छोटा सा पत्थर मार रहे हो तो लग रहा है, और बड़ा पत्थर एक जगह पड़ा है तो वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तो ये क्या कर सकते, एक मृत्यु का कारण बन सकती। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान व वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान, देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि द्रव्यमान सिंपल सी भाषा भार से लिया जाता है,
कि जिस वस्तु का जितना अधिक भार होगा और जितना अधिक वेग होगा, उससे जो उसका प्रभाव होगा या उससे चोट लगने की संभावना, मान लो सिंपल सी बात है, तो वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यदि इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए हमें अधिक बल की आवश्यकता होती है। ये रही एक वस्तु और ये रही एक वस्तु, यहाँ पे अपनों ने वेग क्या लगाया, कम लगाया, तो वस्तु मान लो इतनी दूरी पर जाके रुक गई। यहाँ पे अपनों ने जो बल है अधिक लगाया तो उसका वेग ज़्यादा था, तो ये थोड़ी आगे जाके रुकेगी, तो यही फ़र्क आ जाता है इसमें। हम आगे देखो, अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान में वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है। कौन सी राशि होती है, संवेग। संवेग, वेग को ही मतलब एक टाइप से संवेग कह दिया जाता है। ये किसमें रिलेशन दर्शाता है, द्रव्यमान m और वेग अपने किससे लेते हैं, v से। v इन दोनों से रिलेटेड जो राशि होती है उसको अपने किससे देते हैं, संवेग से। इसे किसने प्रस्तुत किया था, न्यूटन ने, ये थोड़ा याद रख लेना। किसी वस्तु का संवेग p, ये देखो संवेग p, उसके द्रव्यमान m वह वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। देखो गुणनफल मतलब गुणा से परिभाषित किया जाता है, तो संवेग बराबर अपने क्या है, p इज इक्वल टू एम वी। वी क्या है यहाँ पे, वेग, और एम क्या आ जाएगा अपना, द्रव्यमान। अब आगे देखो, इसने कहा है कि संवेग में पी क्या है अपना, संवेग। संवेग में परिमाण तो होता ही होता है और साथ में क्या होती है, दिशा भी होती है। किस ओर बल लगाया जा रहा है वो दिशा भी इसके अंदर बताई जाती है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग वी की होती है। संवेग का मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोमीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये देखो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम किसका भार हो गया, द्रव्यमान m का, और मीटर प्रति सेकंड किसका हो गया, वेग v का। ठीक है, तो इससे ये दोनों को अपने गुणनफल है, तो उनका गुणनफल अपना क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। देखो चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि संतुलित बल लगाओगे, इस साइड से भी बराबर बल लग रहा है और इस साइड से भी बराबर बल लग रहा है, तो क्या होगा, वस्तु नहीं खिसकेगी। और इस साइड ज़्यादा बल है और इस साइड थोड़ा कम बल है, तो वस्तु क्या होगी, इस ओर खिसक जाएगी। तो ये कौन सा बल होता है, असंतुलित बल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने क्या है, असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि बल ही संवेग को भी परिवर्तित करता है। देखो बल लगा रहे हैं तो वेग परिवर्तित हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है संवेग भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। अब देखो इन्होंने एक कंडीशन दे दी कि एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिससे खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर कितना चलाया जा रहा है, 1 मीटर प्रति सेकंड वेग से वो क्या कर रही है, गति प्रदान करने के लिए उसको धक्का लगा रहे हैं। मतलब ऐसी कोई कार है जो चल नहीं रही, उसको अपने कितना मतलब गतिशील करना है, 1 मीटर प्रति सेकेंड गति प्रदान करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने धक्का लगा रहे हैं, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि एक या दो व्यक्ति से अचानक धक्का देते हैं तो भी यह स्टार्ट नहीं होती, तो ख़राब गाड़ी है, नहीं स्टार्ट हो रही। ठीक है, आगे देखते हैं, तो भी यह स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से उस कार में क्या आ जाती है, गति आ जाती है। देखो यहाँ पे पहले क्या था, धक्का दे रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, अपने किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, क्या करने के लिए, उसको गतिशीलता मतलब उसको जो है वेग प्रदान करने के लिए, और साथ में क्या कर रहे हैं, अपने समय ले रहे हैं। तो देखो समय लगाने पर उसमें क्या आ जाती है, गति आ जाती है। तो इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से ही नहीं बल्कि उसके समय से ही है, जितना समय उस तक उस पर बल लगाया जाता है। तो जो संवेग है वो किस किस पे निर्भर करता है, एक तो अपने बल पर तो करेगा ही करेगा, दूसरा किस पे निर्भर करता है, वो समय पे निर्भर करता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने वाले बल उसके समय दर पर निर्भर करता है जिससे कि संवेग परिवर्तित होता है, जिसके से के संवेग में परिवर्तन। तो ये वही बात है कि समय पर भी निर्भर करेगा संवेग और बल पर भी करेगा। अब देखो आगे इसकी थोड़ा दिया हुआ, आगे देखो गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल में समानुपातिक होती है। कि जिस साइड बल लगाओगे उसी साइड क्या होगी, उसको गति मिल जाएगी, उसी साइड में वेग में परिवर्तन होएगा, संवेग कहलाएगा, जो भी चीज़ें हैं। अब देखो आगे दिया गति के द्वितीय नियम की गणना। देखो इस गणना में बताया हुआ है कि माना कोई एम द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना ले रहे हैं एम, कि कोई वस्तु यू प्रारंभिक वेग, पीछे बात की हुई है कि प्रारंभिक वेग अपने कितना लेते हैं, यू लेते हैं, से सीधी रेखा में चल रहा है टी समय तक एक ही निश्चित बल एफ लगाने पर। देखो ये सेम कंडीशन है, अपने क्या कर रहे थे, कोई कार ले रहे थे जो सही नहीं है, उस पर अपने धक्का लगा रहे थे, थोड़े टाइम बाद वो कार स्टार्ट होगी, वही सेम कंडीशन यहाँ ली हुई है।
तो टी समय तक कितना बल लगाया आप लोगों ने? एफ बल लगाया, जिससे वस्तु का वेग क्या हो गया? वी हो गया। पहले प्रारंभिक वेग कितना था? यू। बाद में वेग कितना हो गया? वी हो गया। तो इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग, संवेग देखो पी इज इक्वल टू क्या था? एम वी था, अपने वेग ले रहे थे, एम तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे यू कितना हो गया? पी वन। यू मतलब प्रारंभिक वेग, यू ले लिया। यहाँ पी टू है, एम द्रव्यमान, और वी क्या हो गया इसका? अंतिम जो है या बाद में जो इसका वेग हो जाता है वो ले लिया उन्होंने। अब इन्होंने कहा संवेग में परिवर्तन। देखो बाद के संवेग में से अगर पहले का संवेग अपने घटा दें, माइनस कर दें, तो अपने पास क्या आ जाएगा? संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। वही इन्होंने किया, पी टू माइनस पी वन किया। पी टू की वैल्यू क्या है? एम वी देखो, और पी वन की वैल्यू क्या है? एम यू। देखो दोनों के मान रख दिए, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एम निकाली और अंदर क्या बच गया? वी माइनस यू। और किसके सापेक्ष? देखो यहाँ पे टी समय लग रहा है, तो अपने यहाँ पे इसमें क्या लगा दिया? टी समय लगा दिया। ये किसके समानुपाती? ये समानुपाती का चिन्ह होता है, ये संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। या फिर ये किसके समानुपाती होता है? लगाए गए बल एफ के समानुपाती होता है। तो देखो एम एफ समानुपाती एम इंटू वी माइनस यू अपॉन में टी। अपने पास एक ये मैथमेटिकल डेरिवेशन आ गया, इसको आगे और सॉल्व करते हैं। जैसे ही अपनों ने ये समानुपाती का निशान हटाया, तो अपने पास एक कांस्टेंट या स्थिरांक बोल दिया, वो क्या आ गया अपने पास? के आ गया। एम पहले से था, ये रहा वी माइनस यू अपॉन में टी। अब ये जो वी माइनस यू अपॉन में टी है ना, ये क्या है? अपना वेग है, ये अपना त्वरण है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर होता है ना त्वरण, तो ये क्या अपना त्वरण है। तो त्वरण का क्या होता है? वी माइनस यू अपॉन में टी। तो यहाँ पे अपनों ने इसकी जगह क्या लिख लिया? ए लिख लिया। तो अपने पास एक क्या आ गई इसके बाद? एफ बराबर के एम ए, एक मैथमेटिकल डेरिवेशन आ गया अपने पास। अब देखो आगे बताया भी हुआ है कि ए बराबर वी माइनस यू अपॉन में टी, वेग में परिवर्तन की दर अर्थात ठीक है त्वरण हो गया, अर्थात त्वरण है। के एक अनुपातिक स्थिरांक है, द्रव्यमान त्वरण के एसआई मात्रक किस में लिए हुए हैं? इसमें किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लिए हुए हैं। हम बल का मात्रक किस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक का मान एक हो जाए? स्थिरांक कौन सा है यहाँ पे? के। तो अपने ऐसा मान लेंगे, मात्रक लेंगे कि स्थिरांक का मान क्या हो जाए? एक हो जाए। देखो इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। देखो कैसे परिभाषित किया है? एक किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, अर्थात एक इकाई बल बराबर क्या हो गया? के इंटू के हो गया अपना स्थिरांक। पहला अपने उन्हें जो डेफिनेशन जो देखा था फॉर्मूला वो क्या था? एफ इज इक्वल टू के एम ए। के का मान तो के पड़ा ही है, एम अपनों ने कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम। उसके बाद अपने पास ये त्वरण कितना है? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो समीकरण नंबर अपनी दी हुई है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे अपने के का मात्रक क्या ले लिया? एक ले लिया। के का मान एक निकल आएगा। अब देखो बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने आपको पीछे बता दिया था कैसे होता है। इसे आइजक न्यूटन भी कहते हैं, जिसे एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या इसको बल का मात्रक सीधे अपने एन न्यूटन भी बोल देते हैं, इसको पूरा ना लिखना हो तो। अब देखो गति का द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगाने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। बल अपनों ने देखो गति का द्वितीय समीकरण है क्या है अपने पास? एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल एम ए है। अगर अपने को वस्तु का द्रव्यमान पता है, उसका त्वरण पता है, तो अपने क्या ज्ञात कर सकते हैं? उसका बल ज्ञात कर सकते हैं। तो बल को अपने क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। ये सिंपल सी बात है, एफ इज इक्वल टू एम ए है। तो एम और ए यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का क्या है? गुणनफल है। उससे किसको प्राप्त कर सकते हैं? अपने बल को प्राप्त किया जा सकता है। अब देखो आगे उन्होंने बताया हुआ है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ, एक एग्जाम्पल देखते हैं अपने। देखो अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि गति के द्वितीय नियम के प्रयोग में हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, उसके दौरान मतलब देखो दो खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं, तो जो गेंद है वो यहाँ से मतलब उछलती उछलती किसी दर्शक के पास आके गिर गई। तो उस दर्शक ने या मतलब कोई कैच ले रहा है, तो उसने कैच लिया, तो वो गेंद क्या है तेज़ गति से आ रही, गेंद को क्या करे? लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचा जाता है। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, पहले डायग्राम देख लो। देखो ये गेंद आ रही है, इसको हाथ में लिया और हाथ क्या हो गया? इस तरह से पीछे की ओर हो गया। तो ये क्यों होता है? इसको सिंपल सी भाषा में समझो, लैंग्वेज अपने बाद में पढ़ेंगे, कि अपने सीधा अगर उसको वहीं पकड़ लेंगे तो अपना हाथ क्या हो सकता है? घायल हो सकता है। इसलिए उसके वेग को कम करने के लिए अपने क्या करते हैं? धीरे धीरे उसको पकड़ते हैं और पीछे की ओर लेके जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? उसका गेंद का वेग जो है वो शून्य हो जाता है।
देखो, तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचता है, इस प्रकार गेंद का वेग शून्य करने में अधिक समय लगता है। इस प्रकार गेंद में संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है। देखो, वेग कम हो गया तो संवेग में भी तो परिवर्तन होएगा ही, इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर उसको वहीं रोक के रखे तो वो जो गेंद है अपना वेग शून्य करने में टाइम ले लेगी। अगर उसको धीरे धीरे पीछे लेके जा रहे हो, ठीक है, तो वो ना तो हाथ चोटिल होगा और उसका वेग भी क्या हो जाएगा, जल्दी शून्य हो जाएगा। देखो, अगर गेंद को अचानक रोका जा रहा है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम में शून्य होता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी। इसलिए कैच लपकने वाले को क्या करना पड़ेगा, अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी के हथेली में चोट लग जाए। जैसे अभी अपनों ने बात की, वही सेम लिखा हुआ है, ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पे कूदना, तो बालू यहाँ पे रेत का बोला हुआ है, उस पे कूदना होता है, तो ऐसे खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग परिवर्तन की दर कम होती है। जैसे एक कराटे का खिलाड़ी एक झटके में क्या कर देता है, वो बर्फ़ की सिल्ली तोड़ देता है। तो देखो, यहाँ तो इतना था, अब देखो सिल्ली को तोड़ दिया। ये एक अपना एग्जाम्पल था गति की। द्वितीय समीकरण बल लगाना है तो संवेग में परिवर्तन और द्रव्यमान वगैरह का सब बताया हुआ है। अब देखो, गति के द्वितीय नियम की गणितीय सूत्र के उपयोग से हम गति के प्रथम नियम को भी प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय नियम क्या था, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब देखो, इसको प्रथम नियम को कैसे प्राप्त किया हुआ इन्होंने, एफ इज इक्वल टू एम, ए का मान है ये वी माइनस यू अपॉन मीटी, अभी अपनों ने पीछे किया। तो देखो, एम को क्या कर दिया, अंदर गुना कर दिया, एम वी माइनस एम यू कर दिया, अपॉन में क्या है टी, बराबर में क्या आ गया एफ। अब टी को क्या कर दो, इधर गुना कर दो, तो क्या हो गया एफ टी बराबर एम वी माइनस एम यू। देखो, एफ बराबर जीरो हो जाएगा, तो किसी भी समय टी पर वी बराबर क्या होगा, यू होगा। अर्थात यह है कि वस्तु का समान वेग यू से चल रही है, यदि यू शून्य है तो वी भी शून्य होगा और वस्तु क्या होगी, विरामावस्था में रहेगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आज अपनों ने गति का द्वितीय समीकरण कर लिया है, अब बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गति का तृतीय समीकरण।